भर वैसे तो कई तरह के अभियान चलाए जाते, पर ये दारी राजधानी में रविवार के एक ऐसे अभियान चलाए गिस जेखर ले रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कोती ले माटी के गणेश बनाए बर प्रशिक्षण देगीस और संगे में ही माटी के गणेश बने लोगन मन ल बैठाए बर आग्रह करेगी। ए घाव गणपति स्थापना के महापर्व मा नगर पालिका निगम और स्मार्ट सिटी रायपुर लिमिटेड कोती ले संग मिलके नागरिक मन ला मिट्टी के गणेश बनाए बर प्रोत्साहित करेगी। एकरे चलत नगर निगम मुख्यालय गार्डन मा मिट्टी के गणेश बनाए बर एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन करे गे रही, जेमा शहर के मूर्तिकार मन हा लोगन मन ला गणेश प्रतिमा के निर्माण करे के तरीका ला बताईस। ए कार्यशाला मा गणेश प्रतिमा बनाए बर लोगन मन हा काफी उत्साह दिखीस। सबो लोगन मन हा पीओपी ले बने मूर्ति ला घर मा स्थापित नहीं करे के बात ला कहीस और इको फ्रेंडली गणपति रखे के बात कहीस और संगे मा ही नगर निगम हा ओखर मन के पहल के तारीफ करीन और घर मा पीओपी ले बने गणेश प्रतिमा नहीं रखे के बात कहीस। लोगन मन हा अपन हाथ ला बनाए गणेश प्रतिमा ला अपन घर मा स्थापित करे के बात ला कहीस। यहाँ बहुत मजा आ रहा है, हम मिट्टी के गणेश जी बना रहे हैं। पीओपी के गणेश जी नहीं बनाने चाहिए, मिट्टी के गणेश जी बनाने चाहिए, पर अब हम खुद से बना के रखेंगे। और यहाँ मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला क्योंकि सब लोग सीखने भी आए हैं और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और सब अपनी अपनी श्रद्धा से बनाए गणेश जी को। और ये हमने पहली बार हम लोग सब देखते थे जहाँ तक कि सब बनते हुए और आते थे, बोलते थे कि कितना प्यारा गणेश जी है। कभी हमने बनाया नहीं थे लेकिन बनाने के बाद इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये जो हमने गणेश जी बनाए हैं वो अपने कॉलेज के लिए बनाए हैं, तो यहीं वहीं इसकी स्थापना करेंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो नगर निगम रायपुर ने लिया है एंड मुझे लगता है कि सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मिट्टी के गणेश जी बनने ही चाहिए, हमको केमिकल्स और रंगों से बने गणेश जी को अवॉइड करके अपने घर में ही मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनको सराहना चाहिए, इससे वाटर पोल्यूशन और बाकी पोल्यूशन भी कम होएगा। जो पीओपी और डिस्ट्रॉय होने में बहुत टाइम लगाता है और ये मिट्टी के गणपति है तो अपन घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं और ये अपना फर्स्ट टाइम है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार बना रहे हैं हम। पीओपी पॉल्यूशन करता है और मिट्टी का अभी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो यही रखेंगे। कार्यक्रम के मौका में नगर निगम आयुक्त रजत बंसल हा बताई सवे कि ये घाव माटी के निर्मित गणेश प्रतिमा बना के लोगन मन ला पर्यावरण संरक्षण के प्रति संदेश दे जाते, एकरे चलत ये कार्यशाला के आयोजन करे गए है। स्वच्छ रायपुर अभियान और पर्यावरण संरक्षण के तहत ध्यान में रखत हुए माटी के गणेश निर्माण के पहल ला ये घाव पहली दफा करे गए है। ये रायपुर स्मार्ट सिटी में ये विशेष रूप से इको फ्रेंडली गणेश का से एक मैसेज देने के लिए शहर में रायपुर नगर निगम के सामने जो गार्डन है वहाँ पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की है जिसमें लोग अपने परिवार के साथ आ करके हमारे ट्रेनर्स के साथ मिलके मिट्टी से गणेश जी का बनाए निर्माण करें और उसके बाद फिर आने वाले जो गणेश चतुर्थी है और जो 13 दिन का हमारा पूरा फेस्टिवल है उस समय इसी गणेश जी की प्रतिमा को यूज़ करें। तो इससे बेसिकली हमारा ये संदेश देने का है कि जो पीओपी से जो मूर्तियाँ बनती हैं उससे कितनी हानि होती है हमारे नदी को, हमारे तालाबों को, उसको छोड़ करके हम मिट्टी से यदि गणेश बनाएं और तो हम लोग एक पर्यावरण को बचाने का एक बड़ा एक काम करेंगे अपनी ओर से। नगर निगम कोती ले आयोजित ये कार्यशाला में शहर के कलाकार मन कोती ले लैका मल्ला बढ़ो सबला निशुल्क प्रशिक्षण देगी। ये कार्यशाला में शामिल होए आम नागरिक मल्ला ओखर मन के पर्यावरण संरक्षण के पहल पर नगर निगम कोती ले सम्मानित घलो करेगी। देश टीवी पर कैमरामैन एस गणेश के संग कुलभूषण सिंह के रिपोर्ट। रविवार के अखिल छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ कोती ले 19 सितंबर के राज्यव्यापी महारैली के घोषणा है। ये आंदोलन ला छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के नेतृत्व में राज्य के लिपिक, शिक्षक, पेंशनर संघ समस्त सहयोगी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाए के निर्णय ले है। कर्मचारी मन के कहना हवे कि अपन लंबित मांग मन ला लेके कई घाव मुख्यमंत्री ले चर्चा घलो करे जा चुके है, ओकर बाद घलो अभी तक ले कोनो भी परिणाम नहीं निकले है। यही कारण के सेती सबो संगठन मिल के करीब 10 लाख के संख्या में हड़ताल करे के निर्णय ले है। अब की बार छत्तीसगढ़ के 36 कर्मचारी संघ जो कि शासन के हर योजना को पूरा करते हैं वो बहुत दिनों से अपने मांगों के लिए छले जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस बात को लेके एक 19 तारीख को महाप्रदर्शन होने वाला है, रैली निकलेगी जिसमें ये पूरे 36 कर्मचारी संगठन के लाखों हमारे कार्यकर्ता और सेवक और कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। आने वाले 25 सितंबर को एक टोकन स्ट्राइक होगी सभी यूनियन में, ये जिला स्तर में होगी और पूरा प्रांत बंद कर दिया जाएगा, सब काम ठप हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ शासन ने ध्यान नहीं दिया तो आगामी 2 अक्टूबर से
या हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले। प्रदेश के राजनीति में युवा मल्ल तरजीह दे बर अब बसपा हा आगे आवत हे। बहुजन समाज पार्टी हा 50% युवा चेहरा मल्ल टिकट दे के मन बनाए हवे। और उतना ही नहीं, बीते चुनाव हारने वाला क्षेत्र के निष्क्रिय नेता मल्ल टिकट ले काटे के घलो तैयारी कर रखे है। बहुजन समाज पार्टी हा भाजपा और कांग्रेस के जैसे यूथ बेस्ड इलेक्शन के तैयारी करत है। पार्टी हा 45 सीट मन में युवा उम्मीदवार मन ला उतारे बर मंथन शुरू कर दे है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हा लगातार अलगे अलगे विधानसभा सीट मन में पार्टी के कार्यकर्ता मन ला चर्चा करत हवे। ए मौका में वह पार्टी के युवा महिला विंग के अलावा प्रवक्ता मन ला घलो अलगे अलगे चर्चा करी से। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी वाजपेयी के मानबो त चुनाव में भाजपा ला शिकस्त दे बर नवा और ऊर्जावान युवा मन ला ज्यादा अहमियत दे जाते। एकर संगे में ही महिला मन के भागीदारी ला घलो तय करे के तैयारी हवे। देश टीवी पर निखिल विश्वकर्मा के रिपोर्ट। रायपुर पुलिस ला एक बड़े कामयाबी हा हासिल हुई हवे। देश भर में अलगे अलगे फर्जी वेबसाइट बना के लोगन मल्ले करोड़ों के ठगी करने वाला अंतरराज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड ला गिरफ्तार करे है। आरोपी हा ग्राहक सेवा केंद्र के फ्रेंचाइजी दिलाई के नाम में ठगी करत रही से, जेखर तहत आरोपी हा 1,23,000 रुपया पीड़िता ले ऐठ ले है। ऐसे ही कई लोगन मन हा ये आरोपी के ठगे के शिकार बने रही से। एसपी अमरेश मिश्रा हा बताई सवे के गिरफ्तार आरोपी हा धर्मेंद्र कुमार फर्जी वेबसाइट के माध्यम ले देश भर के कई राज्य मन के हजारों लोगन मन ले अभी तक करोड़ों रुपया के ठगी कर ले है। राजधानी के संस्कृति विभाग के मुक्ता काशी मंच में सुर के महफिल सजीस, जेमा सबो स्थानीय गायक मन ह अपन गायकी ले दर्शक मन ला बांधे रखीस। कोनो ह सिंगल परफॉर्मेंस दिस त कोनो ह डुएट दे के लोगन मन के मन ला मोहलीस। शनिवार के संझा बेरा स्थानीय गायक मन ह संस्कृति विभाग के मुक्ता काशी मंच में सुर के बारिश करीस। श्री सुर विरासत म्यूजिकल क्लब द्वारा आयोजित सुर के महफिल में कलाकार मन ह नवा पुराना फिल्मी गीत मन के स्वर माला प्रस्तुत करीस। कलाकार मन के रूहानी और दिलकश आवाज में मनपसंद गाना सुन के दर्शक मन घलोक झूम उठिस। गीत संगीत ले सजे महफिल के आगाज राष्ट्रगान और भजन ले हुईस। फिल्मी गीत मन के कारवाह अतुल जैन हा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गीत गा के करिस। गायिका वीणा अनु हा दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ले श्रोता मल्ला प्रभावित करिस। एकर बाद मा सीसी राव वीणा हा ड्यूट सॉन्ग मा घूंघट की आड़ से ला सुना के तारीफ बटोरिस। ए मौका मा आयोजक हा कहिस है कि हर वर्ग के संगीत प्रेमी मन हा बड़े संख्या मा सुरमई शाम के आनंद लेबर पहुंचे रहिस। 1990 के दशक के गानों को लेके सुर विरासत ने यह महफिल सजाई है और इस महफिल के माध्यम से संगीत प्रेमियों को फिर से एक बार एक ऐसा प्रोग्राम देखने मिलेगा जिसकी वो कई समय से प्रतीक्षा करते हैं। देश टीवी पर एम कोरलिया के रिपोर्ट। अब जाजा देखो फिर देखथन खबर के सुर्खी मल्ला। अटल ला श्रद्धांजलि देवत हुए भावुक होइस रमन, रमन के गोट में बताएगी नवा छत्तीसगढ़ की योजना। कौशिक हदी शाह के आगू प्रेजेंटेशन, प्रधानमंत्री हदी चुनाव जीते के विकास मंत्र। और पुराना गीत ले सजे सुर के महफिल, हर वर्ग के संगीत प्रेमी मन हा लीस आनंद। अब आप मन हा देश टीवी के सबो खबर और कार्यक्रम मल्ला हमार यूट्यूब चैनल मा घलोक देख सकत हो। जोहार रायपुर मा आज बस इतना ही, मोला दोबिदा, जय जोहार।